हेलो फ्रेंड्स, आई एम भरणी मिस्त्री। वेलकम टू माय चैनल एट दी कुकिंग हाउस। आज की हमारी रेसिपी है मुरमुरे के लड्डू। ये मैं कम समय में और कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी बना के रेडी करने वाली हूँ। ये बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, आप बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हैं। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ताई हम ये रेसिपी बनानी झटपट रेसिपी बनानी शुरू करते हैं। मुरमुरे के लड्डू बनाने के लिए मैंने ये एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई को मैंने गरम कर ली है। वो कढ़ाई में मैं 1 बाउल गुड़ ऐड कर लेती हूँ। इसमें मैं देसी गुड़ ऐड कर ले रही हूँ। अभी इसमें मैं 1 बाउल जितना पानी ऐड कर लेती हूँ, जिससे हमारा ये गुड़ अच्छे से जल्दी से पिघल जाए। अभी इसको मैं थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ। हम इसको कंटिन्यू थोड़ा मीडियम आंच पे ही मिक्स करते रहेंगे और मीडियम आंच पे ही गैस को ऑन रखेंगे। अभी हमारा ये गुड़ अच्छे से पिघल गया है। अभी इसकी मैं चाशनी बनाऊंगी। चाशनी हम अच्छे से उसका मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम टेस्ट करेंगे कि चाशनी हमारी पक के रेडी हुई कि नहीं। इसको हम कंटिन्यू मीडियम आंच पे ही पकाएंगे और इसको मिक्स करते रहेंगे। हम फुल आंच पे हम ये गुड़ को पकाएंगे नहीं तो हमारा ये गुड़ जल जाएगा और जला हुआ टेस्ट आएगा। तो मैं इसको अभी मीडियम आंच पे ही मिक्स करती जाऊंगी और पकाती जाऊंगी। हमारा गुड़ का कलर भी चेंज होगा और हमारा पक के रेडी होगा तब गुड़ का कलर एकदम चेंज हो जाएगा। देखो अभी भी हमारा ये गुड़ अच्छे से पका नहीं है। इसको हम और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी हमारी ये गुड़ की चाशनी बनके रेडी हुई कि नहीं वो हम चेक करेंगे। चेक करने के लिए मैंने ये 1 बाउल पानी लिया है। वो पानी में अभी 2 से 3 बूंद जितना मैं गुड़ ले लेती हूँ। देखो अभी हमारा ये गुड़ बैठ गया है बिल्कुल। अभी भी हमारा ये हुआ नहीं है। थोड़ा हमारा ये गुड़ चिकना लग रहा है। अभी इसको हम थोड़ी देर के लिए और पकाएंगे। अभी हमारा ये गुड़ का कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। वापस मैं 1 कटोरी में पानी ले लेती हूँ। पानी में 2-3 बूंद जितना मैं गुड़ ऐड कर लेती हूँ। देखो अभी हमारा ये गुड़ बिल्कुल भी पानी में पिघल नहीं रहा है। अभी इसको मैं थोड़ा 1-2 सेकंड के लिए ठंडा कर लेती हूँ और चेक करते हैं कि हमारा ये हुआ कि नहीं। देखो अभी हमारा ये गुड़ ठंडा हो गया है तो हम चेक कर लेते हैं। तो देखो अभी हमारा ये गुड़ अच्छे से टूट गया। इसका मतलब हमारी ये चाशनी रेडी हो गई है। तभी इसमें मैं 100 से 150 ग्राम जितना मुरमुरा है ये मेरा। मैंने फ्रेश मुरमुरा ही इसमें यूज़ किया है तो वो ऐड कर लिया है। तो अभी उसको मैं मिक्स कर लेंगी। इसमें मैंने 150 ग्राम जितना मुरमुरा यूज़ किया है। 1 कटोरी गुड़ हो तो 150 ग्राम जितना मुरमुरा हम ऐड करेंगे। अभी इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। देखो अभी हमने ये मिक्सचर अच्छे से रेडी कर लिया है। तो अभी इसके मैं लड्डू बना के रेडी कर लेती हूँ। तो देखो मैं गर्मा गर्म ही लड्डू बना के रेडी करूँगी। इसको बिल्कुल ठंडा नहीं होने दूँगी। इसको हम ऐसे गोल गोल घुमा के लड्डू बना के रेडी कर लिया है। तो देखो अभी हमारा कितना अच्छा लड्डू बन के रेडी हुआ है। ऐसे ही मैं सब लड्डू बना लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, हमारा ये मुरमुरे के कितने अच्छे लड्डू बन के रेडी हुए हैं। ये हमारा लड्डू बिल्कुल क्रिस्पी बन के रेडी हुआ है। आप ये ऐसे ही बनाना। आज आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी करना और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मैं आपको मेरी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।